ये बुलंद भारत की बदहाल तस्वीर है। ये तस्वीर विकास के दावे करने वालों के काल पर तमाचा है। जिस विकास के सहारे पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं, उनको उस विकास को देखने की जरूरत है। ये विकास हुआ है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के चरचरी गांव में। यहां के लोगों की ऐसे ही पानी पीने की नियति है। कई पीढ़ियां बीत गई लेकिन इस गांव में एक हैंडपंप तक नहीं लगा। गर्मी के दिन में जब नाले सूख जाते हैं तो लोग ऐसे ही नालों के बगल में जमीन खोदकर पानी निकालते हैं। पानी ऐसा होता है कि जिसे एसी कमरों में बैठकर कागजों पर देश के विकास की गाथा लिखने वालों को अगर पिला दिया जाए तो वो सीधे अस्पताल पहुंच जाए, लेकिन ये मजबूर और गरीब ग्रामीण इसी पानी को पीते हैं। पूरा आता है तो भी हम लोग को नहाने धोने का पानी पीने का बहुत भारी तकलीफ हो गया है। कोई शासन न सुनाई करता तो बहुत अच्छे का कृपा होता है। बहुत मेरा समस्या हो रहा है, पानी का तकलीफ है। दो पुरखा चला गए, तीसरा पुरखा में मैं हूँ। बरन नदी से पानी पीता हूँ, लाल पानी भी पीते हैं, उसी में नहाते हैं। प्रतिदिन मैंने कुआं कोड़ते हैं नदी में। बरन का पानी तो भाई पिया थी हमरे, और कबरे नहीं पीते, खाली बरने से निस्तार होते हैं। और कोई शासन सुविधा भाई देते नहीं भाई। नदी वाले तो पीते हैं, बाढ़ रहा ही तो वो भर जा वो ही तो वो कुकरा पी ही तब वो बिलार पी ही तब वो। कोई समस्या सुनने वाला नहीं है? ना है। नदी का पानी पियत पियत ही मरल जाते, बुढ़ा गए न का समस्या रही। नहाब तबो इहें, पियब तबो इहें नदिये में। कितना दूर घर है यहाँ से आप लोग? ढेरा तान है ठेले। तो कोई साहब लोग नहीं आते हैं देखने के लिए? क्या बोलते हैं? जुमना का समय आते हैं हमारे थे, नहीं नहीं। इसी नाले में लोग नहाते भी हैं और जानवरों को पानी भी पिलाते हैं। ताज्जुब ये कि गांव में वर्षों से यही हाल है, लेकिन जिम्मेदारों का कहना है कि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। हालांकि अब उन्होंने गांव में पानी की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया है। आपके माध्यम से मुझे पता चला है और मैं इसको दिखवाता हूँ। अगर पानी की समस्या है तो या तो वहाँ पे हैंडपंप की व्यवस्था, और नहीं तो फिर कूप की व्यवस्था जो है सामुदायिक कूप करवाएंगे। उससे जो भी 40-50 लोग हैं, 10-15 घर, उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। इस गांव में करीब 150 लोग रहते हैं जो मजदूरी या दिहाड़ी कर अपनी आजीविका चलाते हैं। शायद यही वजह है कि विकास इस गांव का रास्ता भटक गया होगा। इस गांव के लोगों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया है, और माने भी क्यों ना, क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट बैंक हैं। जब चुनाव का वक्त आएगा, गांव में नेता पहुंचेंगे, विकास के सपने दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, विकास फिर 5 वर्षों के लिए लापता हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।